गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर फंक्शन। इसमें क्या है, हमारे कुछ डेफिनेशन रहेगी। जिस स्मॉलेस्ट मेजर फंक्शन है इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर और ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। मतलब क्या, इसमें अगर हमारे पास डेसिमल नंबर है तो उससे बड़ा एक नंबर होगा वो आ जाएगा आंसर में। अगर एक प्रॉपर नंबर है विदाउट डेसिमल तो वो खुद ही आ जाता है। ठीक है, जैसे 5.7 में 6 आ गया, 4 है तो 4 आ गया। तो इसका डोमेन एफ क्या है, रियल नंबर है, रेंज ऑफ एफ क्या है, इंटीजर्स है। तो ये जो डेफिनेशन है कुछ आपकी चैप्टर में आगे यूज होंगी, नॉलेज भी होनी चाहिए। नेक्स्ट फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन है जिसमें एफ डिफाइन बाय दिस वन इज कॉल्ड फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। डोमेन ऑफ एफ ये है, रेंज ऑफ एफ ये है। इसको भी थोड़ा ध्यान रखिए, चैप्टर में इसका थोड़ा बहुत यूज है। लीनियर फंक्शन आपको नाम से क्लियर है, लाइन। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, जहाँ पे एम स्लोप होती है। टेंथ चैप्टर में आएगा स्ट्रेट लाइन में, आपको सी क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है। रियल नंबर इसकी डोमेन है, रेंज ऑफ एफ क्या, रियल नंबर है। फिर पॉलिनोमियल फंक्शन, आप 9th-10th से पढ़ते आ रहे, पॉलिनोमियल क्या होता है, उस तरह से पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। इसकी डोमेन ऑफ एफ क्या है, रियल नंबर है। रेसिप्रोकल फंक्शन नेम से भी क्लियर है, ये भी आपको छोटे क्लासेस में पता है। रेसिप्रोकल एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/x, वही एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, जहाँ पे एक्स क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, अदरवाइज वो इनफाइनाइट फंक्शन बन जाएगा। तो डोमेन ऑफ एफ क्या है, रियल नंबर एक्सेप्टिंग जीरो। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी नॉलेज में होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स क्या होता है, ई पावर एक्स, जहाँ पे ई एक्सपोनेंशियल को डिनोट करता है। इसकी वैल्यू 2.7 समथिंग होती है। ठीक है, तो इसमें डोमेन ऑफ एफ क्या होता है, इसका रियल नंबर। फिर है लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन अगर आपको वाइडली फॉर्म में करना है तो बहुत अच्छा टॉपिक है लॉगरिथम फंक्शन। यहाँ पे जस्ट आपको ये कि एफ ऑफ एक्स को लॉग एक्स से डिनोट करते हैं। लॉग एक्स पॉजिटिव फंक्शन होता है, मतलब एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो ही होता है। ठीक है, और लॉग कैसे करते हैं सॉल्व, एक तरह का ये टेबल होता है, लॉगरिथम टेबल आपकी बुक के बैक पे दिया हुआ है, उसमें से हम इसकी वैल्यूज निकाल के सॉल्व करते हैं फंक्शन को। ठीक है, उसके बाद आपका टेबल देखना, अगर कोई सम आया तो मैं आपको उसमें बताऊंगी, और नहीं तो वैसे बता दूंगी। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो आप इसको करेंगे, जैसे लॉग वन है ये सब। ये एक्चुअली क्या है, कुछ बच्चों ने छोटे क्लासेस में किया हुआ, कुछ ने नहीं किया हुआ। उसके बाद रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन नाम से क्लियर है, पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स अपॉन में एच ऑफ एक्स, जहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन है दोनों, और एच ऑफ एक्स नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, और डोमेन ऑफ एफ के सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्स डेट एच ऑफ एक्स नॉन जीरो होना ही चाहिए आपका। फिर है एफ ओ एक्स इजिकल स्क्वायर फंक्शन, ये भी आपने 9th-10th में किया हुआ है। स्क्वायर फंक्शन यू शेप फिगर बनती है, ये वाली पैराबोला बोलते हैं। तो इसमें डोमेन ऑफ एफ क्या होता है, रियल, और रेंज ऑफ एफ क्या होता है, जीरो से इन्फिनिटी। स्क्वायर रूट ये भी क्या होता है, रूट एक्स। ठीक, डोमेन ऑफ एफ इसकी जीरो से इन्फिनिटी इंक्लूडिंग जीरो, जहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होगी वहाँ पे मैंने आपको पीछे बताना भूल गई, इंक्लूडिंग जीरो है। इन्फिनिटी पे तो आपको पता ओपन ब्रैकेट ही आता है, और रेंज ऑफ एफ पे क्या है, वो भी इंक्लूडिंग जीरो टू इन्फिनिटी। इसका ग्राफ अगर आप प्लॉट करेंगे इस तरह का बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्यूब फंक्शन है। क्यूब फंक्शन में भी आपको पता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब होता है, ये ग्राफ आपको दिया हुआ है और ये है। फिर क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, यहाँ 3 डाल देते हैं, तो एक्स की पावर 1/3 भी बोल सकते हैं। इसका ग्राफ आपको बुक में दिया हुआ ये है, और इस तरह से। फिर पावर फंक्शन है। ठीक, मतलब कुछ फंक्शन आपके जो चैप्टर में यूज़ होने हैं वो है, जैसे लाइकली लॉगरिथम फंक्शन थोड़ा बहुत यूज़ होगा, और एक आधा फंक्शन और है, मैं क्वेश्चन के साथ साथ बताती रहूँगी। अब इवन एंड ऑड फंक्शन ये यूज़ होना ही है। इवन फंक्शन क्या होता है कि अगर फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स है, अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स कर दें तो भी वो आंसर एफ ऑफ एक्स के इक्वल आए तो वो इवन है, और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स करें माइनस एफ एक्स के इक्वल आए तो वो ऑड फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद इक्वल फंक्शन। दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं, जब दोनों की डोमेन इक्वल होती है, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी, तो वो इक्वल फंक्शन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपके पास पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक सिंपल जैसे ट्रिग्नों में बोलते हैं, ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस समथिंग करे तो वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या होता है, पीरियोडिक, जहाँ पे अल्फा क्या है, लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है। साइन को स्टैन वगैरह पीरियोडिक ही हैं सारे। फिर अनडिफाइंड फंक्शन है, 0/0 फॉर्म हो गए, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो गए, सारे क्या हैं, अनडिफाइंड, मतलब जिनको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं एक्चुअल में इसको। ये 13 चैप्टर में कॉन्सेप्ट आएगा, 1/1 में आपको पहले बता ही चुकी हूँ। ठीक है, फिर इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, जैसे फंक्शन आपका एफ चलता है ए टू बी, तो इन्वर्स उल्टा चलेगा, इसकी डोमेन इन्वर्स की रेंज हो जाएगी, और एफ की जो रेंज है वो इन्वर्स की डोमेन हो जाएगी। ये आपकी डेफिनेशन है, एफ इन्वर्स ऐसे डिनोट करते हैं, एफ पावर ये लिख देते हैं।
फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होगा जब वन वन और वन टू दोनों होंगे, ठीक है। उसके बाद एक दो क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किए हैं। क्या है n बी द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स, r क्या है ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई वेयर y इक्वल टू टू एक्स है, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू n है, तो आपने डोमेन लिखना है, कोडोमेन लिखना है, रेंज लिखना है और पूछा है कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। डोमेन क्या होगी आपके पास, अब देखो y इक्वल टू एक्स है इसके अंदर, तो आप x की वैल्यू कुछ मर्जी पुट करोगे नेचुरल नंबर में, तो y भी एक नेचुरल नंबर आता रहेगा, तो डोमेन ऑफ f की हो जाएगी नेचुरल नंबर। कोडोमेन सारा सेकंड सेट होता है। रेंज क्या होती है, जो आपकी x की जगह पे वैल्यू पुट करके y की वैल्यू आती है, मतलब y इक्वल टू टू एक्स है ना, x की वैल्यू आप पुट करोगे वन तो टू आएगा, टू पुट करोगे तो फोर आएगा, मतलब टू का टेबल चलेगा। तो रेंज में तो सारा नेचुरल नंबर नहीं आ रहा ना, सिर्फ इवन नंबर आएंगे, ठीक है। तो रेंज में आपके पास कौन आया, इवन नेचुरल नंबर्स। तो डोमेन हुई n, कोडोमेन हुई n और रेंज क्या हुई, इवन नेचुरल नंबर्स। तो रिलेशन उसके बाद इसने पूछा है, एक सेकेंड में क्वेश्चन चेक कर लूं। हाँ, इज दिस रिलेशन आ फंक्शन, द रिलेशन आर इज अ फंक्शन, क्योंकि हर नेचुरल नंबर का एक ना एक ही इमेज होगा। फंक्शन ने ये बोला ना कि हर एक डोमेन के लिए एक रेंज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हर नेचुरल नंबर के लिए एक ही इमेज होगी, क्योंकि देखो टू का टेबल चल रहा है, दो से तो रिलेट कर नहीं सकता। मैंने आपको पहले बताया रिलेशन फंक्शन कब बनता है, जब आपके पास क्या होता है, जो रेंज सेट होता है उसके जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो नंबर्स होते हैं वो रिलेट कर सकते हैं प्री इमेज डोमेन सेट में दो से, ठीक है। पर डोमेन दो रेंज से नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आर आपको गिवन है टू टू का ऑर्डर पेयर, टू फोर का, फिर थ्री थ्री का है, वन फोर है आगे, अगर सॉरी फोर फोर है आगे, फिर फाइव एट है। तो इज दिस रिलेशन ऑफ फंक्शन, नहीं, क्यों, टू का टू से भी और टू का फोर से, अभी तो बता के हटी हूँ मैं आपको कि टू का टू से और टू का फोर से ऐसा नहीं हो सकता, तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। उसके बाद एफ ऑफ एन, सॉरी लेट एन टू एन नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री, थ्री एक्स फंक्शन है आपका, शो दैट इट इज नॉट ऑन टू, सिंपल है। अगर आप वैल्यूज पुट करोगे थ्री का टेबल चल पड़ेगा, तो नेचुरल से नेचुरल है, तो सेकंड सेट में तो आपके पास ऐसे एलिमेंट्स रह जाएंगे ना जिनके लिए कोई प्री इमेज ही नहीं है, मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ वन टू थ्री फोर चल रहा है, यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स चल रहा है, तो अगर आप वन पुट करेंगे तो थ्री आ जाएगा, ठीक है, टू पुट करेंगे तो सिक्स आ जाएगा, तो फिर ये जो नंबर है बीच में वन है टू है फोर है, इनके लिए तो कोई डोमेन बनी नहीं ना, जबकि ऑन टू क्या होता है एटलीस्ट कम से कम एक तो होना ही चाहिए, इट मीन्स सेकंड सेट में आपके पास एलिमेंट्स खाली रह गए जिनके पास डोमेन ही नहीं है, मतलब प्री इमेज ही नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। उसके बाद है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब है, तो आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाय एक्स फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स क्या, एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब है। एफ ऑफ वन बाय एक्स का मतलब क्या है, एक्स की जगह वन बाय एक्स पुट कर दो, यहाँ पे वन बाय एक्स पुट करेंगे और यहाँ पे भी वन बाय एक्स पुट करेंगे आ जाएगा, तो ये बन गया वन बाय एक्स का होल क्यूब माइनस वन अपॉन वन अपॉन एक्स, वन अपॉन वन अपॉन एक्स उल्टा हो जाएगा वन इंटू एक्स बाय वन, यानी कि क्या बन जाएगा एक्स का क्यूब। अब इन दोनों को प्लस करना है, एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, मतलब इन दोनों को प्लस कर दिया, इससे ये कट गया, सॉरी ये कट गया और इससे ये कट गया, दो जीरो आ गया आंसर हमारे पास। नेक्स्ट आपके पास है ब्रेकिंग फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स क्या है थ्री एक्स माइनस वन अगर एक्स आपका थ्री से बड़ा है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस टू है अगर एक्स आपका माइनस टू से थ्री के बीच में लाई करता है, फिर टू एक्स प्लस थ्री है अगर एक्स आपका लेस है माइनस टू से, तो वही है एफ ऑफ टू फाइंड करना है, ठीक है। टू आपका कहाँ आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस टू यूज करोगे आप, यानी कि टू स्क्वायर माइनस टू डेट इज टू, फिर एफ ओ फोर निकालना ना, तो फोर आपका यहां आ रहा है थ्री से बड़ा, तो थ्री इंटू फोर माइनस वन डेट इज ट्वेल्व माइनस वन इलेवन, फिर आ रहा है एफ ओ माइनस वन, आपका माइनस वन भी सी में आ रहा है माइनस टू से लेके थ्री वाले में, तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू, यानी कि वन माइनस टू डेट इज माइनस वन, फिर आपका है एफ ओ माइनस थ्री, माइनस थ्री भी आपका किस में आ रहा है x लेस देन माइनस टू, एक्स लेस देन माइनस टू का मतलब x छोटा है माइनस टू से, तो कौन से नंबर हो माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, तो टू एक्स प्लस थ्री वाला फंक्शन यूज करोगे तो x की जगह पुट करोगे माइनस थ्री, टू इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री डेट इज माइनस सिक्स प्लस थ्री डेट इज माइनस थ्री, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके करवाए हैं सॉल्व, अगर आप कुछ दिक्कत आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे क्वेरी कीजिए। बाकी आपका नेक्स्ट है टॉपिक डोमेन रेंज का, ठीक है। तो डोमेन और रेंज का मैंने एक अलग से बनाया हुआ है सारा वीडियो, वो आप देख लेंगे। इससे पहले मैं एक आपको ऑड इवन का भी करवा ही देती हूँ। जैसे आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है
टेन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स प्लस एक्स, इज इट ऑड और इवन, ये बताना है हमें। देखो एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो टेन ऑफ माइनस एक्स प्लस थ्री कॉस ऑफ माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स। टेन ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस टेन एक्स, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो थ्री कॉस एक्स। आप देखो फंक्शन तो सारा वही बन गया पर माइनस कॉमन लेके बनेगा, तो ये बन गया माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो तो वो क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये है ऑड इवन के बारे में। तो इसके डाउट्स मुझे भेज देना, आज ये चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, थैंक यू ऑल।